इंदौर में लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। बारिश से शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई है। वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हुई बारिश से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। इंदौर शहर में 5 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को दिन व रात में रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके बाद शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और 9 बजे बाद फिर बारिश शुरू हो गई। शहर के पूर्वी व पश्चिम दोनों क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद भी हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बार जिले में बारिश का आंकड़ा 45 इंच से ज्यादा हो चुका है। दरअसल सितंबर माह में कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुल्की बारिश है, फिर 15-20 मिनट होने के बाद बारिश थम जाती है और कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाती है। कई क्षेत्रों में तो सड़कों पर पानी बह निकला। इस बार सितंबर में अब तक 232 मिलीमीटर यानी 9.13 इंच बारिश हो चुकी है। वैसे मानसून की रवानगी 15 सितंबर के आसपास होती है। इस बार भी सितंबर के पहले हफ्ते में मौसम ने यही संकेत दिए थे, लेकिन छोटे छोटे सिस्टम होने के कारण बारिश होती रही। इंदौर शहर में लगातार बारिश के बने हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश शर्मा। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के साथ ही आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में सतत बारिश हो रही है, जो अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत की बारिश साबित होती नजर आ रही है। जी हाँ, इंदौर शहर में जहां गुरुवार को पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हुई तो शुक्रवार को अल सुबह से ही अभी तक लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है तो कई इलाकों में नगर निगम द्वारा जल निकासी का प्रबंध किया जा रहा है। जल जमाव से शहर पहले ही जूझ रहा है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर तमाम स्थानों पर जहाँ जहाँ जल जमाव हुआ है नगर निगम द्वारा जल निकासी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में अभी तक करीब 45 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं 18 तारीख तक बारिश होने की संभावना है।